नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। परिवार में बेटी का ज़्यादा राइट होना चाहिए या बहू का, ये सवाल मैं यूं ही नहीं पूछ रहा हूँ। इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने एक ऐसा मसला आया जिसमें कि इस पर बहस हो गई अच्छी खासी, और हाई कोर्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला दिया कि जिस परिवार में बहू आती है उसका राइट भला बेटी से कम कैसे हो सकता है। और उसने कहा कि कुछ मामलों में बहू का अधिकार बेटी से ज़्यादा है। पूरा मामला कुछ इस तरीके से है कि 5 अगस्त 2019 को जो खाद्य एवं आपूर्ति सचिव हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने एक शासनादेश जारी किया जिसमें कि परिवार में बहू को शामिल नहीं किया गया, बेटी को शामिल किया गया। फिर क्या होता है कि अप्रैल 2021 में पुष्पा देवी की पति की पहले ही मौत हो गई थी, सास की मौत हो जाती है और वो सस्ते गल्ले की दुकान की लाइसेंसी थी। जब उनकी मौत हो गई तो पुष्पा देवी ने अप्लाई किया, उनके दो बच्चे थे, कि उनके जो आश्रित कोटे वाली दुकान है उनको अलॉट कर दिया जाए। लेकिन उसके आधार पे जो 5 अगस्त 2019 को प्रमुख सचिव ने आदेश शासनादेश जारी किया था, जो जिला आपूर्ति अधिकारी हैं उन्होंने 17 जून 2021 को उनका एप्लीकेशन टर्न डाउन कर दिया कि परिवार में बहू शामिल ही नहीं है तो हम कहाँ से आपको अलॉट कर दें, परिवार में बेटी शामिल है बहू नहीं। अब सोचिए कि लाल फीताशाही में काम कैसे होता है, कैसे बहू शामिल हो सकती है और बेटी शामिल हो सकती है और बहू शामिल नहीं हो सकती। पुष्पा देवी ने इधर उधर बहुत चक्कर लगाया लेकिन उनकी बात कहीं नहीं सुनी गई। फिर वो लास्ट में आए इलाहाबाद हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस मामले पे बहस हुई, तब जा कर के एकल पीठ ने ये फैसला दिया कि जो शासनादेश 5 अगस्त 2019 को जारी किया गया था या तो उसको रद्द करके नया शासनादेश जारी कीजिए या उसी को संशोधित कीजिए, और जो है इनको बहू को राइट है, और कुछ मामलों में ये भी कहा कि बेटी से ज़्यादा राइट है। आश्रित कोटे के मामले में सफरर कौन है, बेटी तो अपने घर जा चुकी है, उसका अच्छा खासा घर बसा हुआ है, बहू है, दो बच्चों को लेकर के वो घूम रही है, और लाल फीताशाही कागज पे जो शासनादेश है वो कह रहा है कि आप तो परिवार के पार्ट है ही नहीं, लिहाजा आपके सास की जो डेथ हो गई है उसके बाद आश्रित कोटे से आपको सस्ते गल्ले की दुकान का लाइसेंस नहीं मिल सकता। खैर, जब अब हाईकोर्ट का फैसला आया, ये कल ही फैसला आया है, इसके बाद से या तो शासनादेश है वो संशोधित करना होगा या फिर नया शासनादेश जारी होगा करना होगा जिसमें परिवार में बहू को शामिल करना होगा। और 2 हफ्ते का समय दिया है जिला आपूर्ति अधिकारी को कि आप जैसे ही ये शासनादेश जारी होगा 2 हफ्ते के अंदर इनके आवेदन का निस्तारण करेंगे। चूंकि ये प्रशासनिक आधार होता है कि आवेदन की कितना जेन्यून है उसको देखना भी पड़ता है, आश्रित कोटे में तो वैसे हो ही जाता है लेकिन फिर भी एक प्रशासनिक प्रक्रिया है उसको पूरी करते हैं, इसलिए 2 हफ्ते का उनको समय दिया है कि वो देखिए और देख करके इनके आवेदन का निस्तारण कीजिए। कहने का मतलब कि आप इनको लाइसेंस दीजिए यदि ये डिजर्व कर रही हैं तो ये आगे आने वाले समय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।